हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों, आपका एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन 10th का एग्जाम और 12th का एग्जाम जल्दी होगा। और ये एग्जाम होने के बाद बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि 10th के बाद हम अब क्या चुने। मान लीजिए 12th वाले जो बच्चे हैं वो अपना करियर ऑप्शन चुन चुके होंगे, लेकिन जो 10th में अभी एग्जाम्स देने वाले हैं उनको अगर सोचना है कि उनको 10th के बाद क्या लेना है, या आपका 10th का एग्जाम हो गया है और आपको इसके बाद सोचना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है और प्लस पेरेंट्स के भी मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि इस बच्चे को क्या बनाया जाए। तो करियर ऑप्शन क्या है इसके बारे में आपको उसके लिए क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज का चुनाव करते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, तब आप उसमें क्या कर सकते हैं अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि 10th के बाद बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, और उन ऑप्शन में से आपको जो आर्ट्स फैसिलिटी है उस आर्ट्स फैसिलिटी में से क्या आपको बच्चों को कौन कौन से जॉब ऑप्शन रहते हैं उसके बारे में आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये सीरीज चलती रहेगी इन द सेंस मैं आपको सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। एक एक टॉपिक को हर एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कवर करते जाएंगे, जिससे आपको जब 10th का रिजल्ट आने से पहले आपको ये पूरी जानकारी हो जानी चाहिए कि 10th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं सब्जेक्ट चुनने के, और उसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। इसलिए पूरा गाइडेंस तब तक मैं आपको क्या करूंगा कवर कर दूंगा। ये हमारा क्या है करियर गाइडेंस का पहला वीडियो है, और पहले वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। ये आपको इस पे कई वीडियो बनाए जाएंगे और हर एक चीज के बारे में क्या किया जाएगा डिटेल में आपको समझाया जाएगा, जिससे आगे के ऑप्शन यानी करियर ऑप्शन चुनने को आपको आसानी हो सके। ओके, तो आगे दोस्तों अगर बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा, आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मैथ सीखना है या एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। और चैनल से जुड़ने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, जो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन है उसको बेल प्रेस कर लीजिए और बेल में आई ऑल की बटन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप आसानी से प्राप्त कर सकें और अच्छी अच्छी जानकारी आपको इस चैनल से मिलती है। ओके, चलिए देखते हैं 12th के बाद बच्चों सबसे बड़ा प्रश्न है कि 10th के बाद बच्चे क्या चुने। 12th में तो आपने चुन लिया होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन 10th के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो 10th के बाद क्या चुने और क्या क्या उनके पास ऑप्शंस होता है उसमें से क्या चुने। तो जैसा कि आप जानते हैं 10th के बाद आपको फैसिलिटी होती है कि आप साइंस में जा सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं या आईटीआई कर सकते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आपको वोकेशनल कोर्सेस होते हैं, वो वोकेशनल कोर्सेस भी आप क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं और आप जॉब पा सकते हैं। जैसे आपको लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं व्यवसाय के रूप से कोई कोर्स कर सकते हैं और उसमें आप अच्छे से कोर्स पर कंप्लीट करके जॉब कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर जल्दी से जॉब चाहिए 10th के बाद, थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही आपको जॉब चाहिए, तो आप थोड़ा छोटा मोटा वोकेशनल कोर्स करके क्या कर सकते हैं जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में भी पढ़ाई को क्या कर सकते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं जॉब के साथ। तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है 10th के बाद, या तो आप विज्ञान शाखा में जा सकते हैं साइंस में, या आप कॉमर्स शाखा में जा सकते हैं यानी कि वाणिज्य शाखा में जा सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, और बहुत आजकल तो डिप्लोमा का बहुत डिमांड हो गया है। डिप्लोमा में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और बच्चे मोस्टली आजकल डिप्लोमा में बहुत जा रहे हैं, क्योंकि डिप्लोमा में वास्ट मतलब आपको बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं, और उसमें अगर आपने बहुत अच्छा डिप्लोमा कर लिया है तो आपको जॉब के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, यानी कि जॉब आपको मिलने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाती है। तो डिप्लोमा भी आजकल बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपको इंडस्ट्री से संबंधित रहती है उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, और उस ट्रेनिंग को कर करके आप क्या कर सकते हैं जॉब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो 10th के बाद ये आपको क्या होते हैं ऑप्शंस होते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन मतलब अगर आपको लंबे समय तक पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में से चुन सकते हैं। डिप्लोमा छोटा भी कोर्स होता है बड़ा भी कोर्स होता है, इसलिए अगर आपको कम समय में नौकरी पाना है तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, और आईटीआई भी इसी प्रकार से आपको क्या है आईटीआई करने के बाद आपको ज्यादा ये भी लंबे समय का कोर्स नहीं होता, ये भी आपका छोटा ही कोर्स होता है, और इसमें आप जल्दी अगर आपको जॉब पाना है तो आप ये दोनों क्या कर सकते हैं
ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जैसे आप जानते हैं कोई चीज जल्दी प्राप्त होती है तो उसका थोड़ा सा सैलरी क्या होती है, कम होती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन होता है। आज हम लोग बच्चों इसमें से क्या देखेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग सुनते हैं कि साइंस वालों को उच्च स्तर का माना जाता है, जैसे बोलते हैं ना साइंस बहुत बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं। साइंस हर एक सब्जेक्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस वाले बच्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। कॉमर्स में भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है, आर्ट्स में भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं। मोस्टली जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा क्या होते हैं, छोटा समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल देखोगे बहुत सारे कॉलेजों में 97% पाने वाले बच्चे भी क्या करते हैं, आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि उनके मन में जुनून होता है मुझे क्या बनना है। 97% वाले को आसानी से साइंस मिल सकता है लेकिन वो साइंस नहीं लेता, क्योंकि उसकी सोच क्या कहती है कि उसे जो बनना है उसने डिसाइड कर लिया है और वह आर्ट्स के माध्यम से वो अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे आर्ट्स भी चुनते हैं। तो ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाले बच्चे क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। वो अपने आप को गिरा हुआ इंसान ना समझे, गिरा हुआ इंसान मतलब इन द सेंस अपने आप को छोटे लेवल पे ना समझे। उनमें भी वो टैलेंट है जो बाकी में टैलेंट नहीं है। तो अपने टैलेंट को क्या कर सकते हैं, आर्ट्स के माध्यम से भी निखार करके दिखा सकते हैं और साइंस वालों से ज्यादा कमा सकते हैं। तो आज बच्चों मैं आपको सिर्फ आर्ट्स में क्या क्या करियर ऑप्शन अपना बना सकते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, और बाकी चीजों साइंस में, कॉमर्स में, इन सभी डिप्लोमा में, इन सब चीजों के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया कि ये जो करियर गाइडेंस है ये मेरा इसमें पहला वीडियो है, तो इसमें पहली वीडियो में मैं आपको आर्ट्स की फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा, मतलब आर्ट्स के बच्चे क्या क्या चुन सकते हैं आगे जाके ऑप्शन में। तो सबसे पहले देखिए आर्ट्स का बच्चा अगर आपको, उसने 10th के बाद आर्ट्स लिया है तो क्या करेगा, 12th तक आर्ट्स करेगा। 12th के बाद वो क्या कर सकता है, बीए कर सकता है। यानी कि आर्ट्स में गया तो उसको ऑप्शन क्या है, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और इसके बाद एमए भी कर सकता है अगर आपको बड़े लेवल तक जाना है। तो अब बीए में क्या हो सकता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री पे वो बीए कर सकता है, या आपको ज्योग्राफी पे बीए कर सकता है, हिंदी पे कर सकता है, इकोनॉमिक्स पे कर सकता है, यानी कि बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस पे कर सकता है, सोशियोलॉजी पे कर सकता है, साइकोलॉजी पे कर सकता है। यानी कि उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश यानी कि किसी भी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज पे भी क्या कर सकता है, वो बीए कर सकता है, एमए कर सकता है, और अगर बहुत बड़े लेवल पे जाता है तो वह क्या कर सकता है, प्रोफेसर भी यहाँ से बन सकता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या कर सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता है या टीचर बन सकता है अगर वो टीचर ट्रेनिंग भी कंप्लीट करता है तो। इसके बाद देखिए बच्चों आजकल तो मीडिया डालते बहुत छाई हुई है, बहुत मीडिया छाई हुई, मीडिया से जुड़े भी चीजें आप देख रहे हैं, चारों तरफ चीजें हैं। तो जर्नलिज्म भी करके वो क्या कर सकता है, यानी कि आर्ट्स का स्टूडेंट क्या कर सकता है, जर्नलिज्म करके क्या कर सकता है, मीडिया में जा सकता है। और मीडिया में आपको एक ही छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि सामने आपको आके क्या करना है, आपको बोलते रहना है और न्यूज लोगों को बताना है, नहीं, न्यूज से संबंधित भी आपको क्या होते हैं, बहुत लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल पर। जैसे लिखना उसको बहुत अच्छा लगता है तो वो लिख सकता है बहुत अच्छी खासे, या उसको एडिटिंग करना बहुत अच्छा आता है, कार्टूनिंग करना, कार्टून बनाने में बहुत अच्छा है, यानी कि इन सभी चीजों पे भी क्या कर सकता है, वह अपना कोर्स कर सकता है। तो जर्नलिज्म मैं बोलूंगा कि आर्ट्स में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ओके, इसके बाद है होटल मैनेजमेंट। आप जानते हैं सभी लोग होटल मैनेजमेंट को लोग मोस्टली ये समझते हैं कि जाके खाना बनाना है, नहीं ऐसा नहीं, या वेटर का काम करना है, ऐसा नहीं। होटल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, बड़े लेवल पे सोचिए, छोटे मोटे लेवल पे नहीं। होटल मैनेजमेंट मतलब होता है कि किस तरह से उसे मैनेज किया जाए। तो उसमें भी क्या होता है, हाई लेवल से लेके छोटे लेवल तक के क्या होते हैं, करियर ऑप्शन होते हैं। तो यानी कि होटल मैनेजमेंट भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको कुकिंग भी आ सकता है, या आपको उसे मैनेज करने जा सकता है, या ग्राहकों को कैसे मैनेज किया जाता है, या अलग अलग क्षेत्रों में आप अपने होटल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लेखा जोखा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपको किसमें आता है, होटल मैनेजमेंट। इसमें भी बहुत सारे, होटल मैनेजमेंट भी बहुत सारे क्या होते हैं, करियर ऑप्शंस होते हैं। तो यानी कि आर्ट्स स्टूडेंट क्या कर सकता है, होटल मैनेजमेंट भी कर सकता है। ओके, ये होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी कोर्स होता है, तो डिप्लोमा कोर्स भी करके वो होटल मैनेजमेंट करता है। और कई लोग बच्चे क्या होते हैं, आर्ट्स कंप्लीट, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद होटल मैनेजमेंट करते हैं, या 12th के बाद क्या करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। इसमें भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। इसके बाद है इवेंट मैनेजमेंट। जैसे लोगों को देखिए अंदर अपने में जो कला है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे शादी ब्याह में जाते हैं, देखते हैं तो बोलते हैं ये क्या सजावट है, कैसे किया है, यानी कि उनके अंदर कुछ तो
गुड है जो मतलब जो देख के वो बता रहे हैं कि अच्छा मैं इसको क्या किया, मैनेज नहीं किया है, यानी कि वो उसके अंदर उसको अच्छे से और मैनेज करने की क्षमता होगी तभी वो कर रहा है। यानी कि जैसे शादी ब्याह हो गया, यानी कि आपको बहुत सारे फंक्शन प्रोग्राम होते हैं, आपको रैलियां होती है, उन सभी को इवेंट उसको बोला जाता है, इवेंट यानी कि घटना जो होती है उसको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है कि शादी ब्याह का फंक्शन हो चाहे जो भी फंक्शन हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, इस चीज को क्या किया जाता है, इवेंट मैनेजमेंट। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट मतलब बड़े लेवल पे कैसे बहुत ज्यादा लोग हैं उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजों के लिए भी इवेंट मैनेजमेंट का क्या होता है कोर्स होता है, वो आर्ट्स स्टूडेंट क्या कर सकते हैं करके अपना करियर ऑप्शन इसमें बना सकते हैं। और बहुत सारे आपने देखा होगा फिल्मों में लोग बहुत सारे लोग कमाते भी हैं। ओके तो इस ये हो गया इवेंट मैनेजमेंट। इसके बाद हो गया एलएलबी कर सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं एलएलबी करके वकील बन सकते हैं। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं, आपको बोलने की अच्छी क्षमता है, यानी कि आप लोगों को फंसा सकते हैं अपनी बातों में, तो आप एलएलबी भी कर सकते हैं। और एलएलबी करके आप क्या कर सकते हैं, एक एडवोकेट बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, अच्छे लेवल के वकील बन सकते हैं। और आप जानते हैं वकीलों की डिमांड बहुत ज़्यादा, वकीलों में भी आप जानते हैं बहुत सारे टाइप के वकील होते हैं और उनकी बहुत बड़ी डिमांड होती है। ओके अगर आप अच्छा करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। और इससे बड़ी बात, आप इसमें जज भी बन सकते हैं, यानी कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप जज के लिए भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आपके पास होता है। ओके और अब इसमें बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, अगर आप एक बार फेमस हो गए तो आपके पास बहुत काफी इनकम कर सकते हैं इससे। इसके बाद टीचर ट्रेनिंग, आप जानते हैं कि बैचलर जो स्टूडेंट होते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं, वह इसके बाद क्या कर सकते हैं, 12th के बाद ही या आपको टीचर्स ट्रेनिंग होती है, कोर्सेज होते हैं, बीएड डीएड होता है, वो करके क्या कर सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, या कॉलेज लेवल के क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं। तो अलग अलग टीचर्स ट्रेनिंग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो करके टीचर्स बन सकते हैं या ट्रेनर बन सकते हैं, यानी कि दूसरे बच्चों को जो टीच आगे भविष्य के जो टीचर बनते हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो ट्रेनर कोर्स कर सकते हैं, तो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हो सकते हैं, यानी टीचर भी बन सकते हैं या टीचर्स को ट्रेन करने वाला कोर्स करके आपको ट्रेनर बन सकते हैं। इसके बाद आता है ग्राफिक डिजाइनर, आजकल आप देख रहे हैं इस चीज के भी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि आपको हर जगह मीडिया में जरूरत होती है कार्टून बनाने के लिए, आपको ये जो कार्ड्स होते हैं शादी ब्याह के कार्ड्स होते हैं, यानी कि सभी चीजें का जो होता है वो होटल मैंने ये आपको डिप्लोमा का कोर्स भी होता है ग्राफिक डिजाइनर, यानी कि आप ग्राफिक डिजाइनर भी का कोर्स करके अच्छा खासा इसमें क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और ये इसमें डिप्लोमा भी जिसमें होता है, ये डिप्लोमा में भी कोर्स होता है, तो आप डिप्लोमा करिए, या आर्ट्स अगर स्टूडेंट है तो आप ग्राफिक डिजाइनर को भी चुन सकते हैं, और काफी अच्छा बड़ा स्कोप है इसमें, और इसमें आपको काफी अच्छी सैलरी मिलती है। इसके बाद फैशन डिजाइनर, देखिए आजकल लोग का लुक्स क्या होता है, वो हमेशा बेटर बनने की कोशिश करते हैं, तो फैशन यानी कि क्या होता है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी आप रचनात्मकता को क्या कर सकते हैं उसमें डाल करके उसको फैशन को क्या कर सकते हैं, और अच्छे बना सकते हैं। तो अगर आप में क्या है क्रिएटिविटी है तो आप क्या को चुनना चाहिए, फैशन डिजाइनर का कोर्स करना चाहिए। और ये फैशन डिजाइनर में भी आपको मैंने बताया डिप्लोमा कोर्स भी होता है, ये डिप्लोमा में भी आता है, अगर आप इसमें बहुत अच्छे हैं तो आप फैशन डिजाइनर का भी कोर्स क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोफेशनल आर्ट्स, अब जैसे कुछ लोग क्या होते हैं उनमें जन्मजात गुण होता है, जैसे मतलब कई लोगों की वॉइस बहुत अच्छी होती है, यानी कि वो बहुत ही सुंदर क्या कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, कई लोग बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे फिल्म लेवल पे भी क्या होते हैं आप देखते हैं म्यूजिशियंस करते हैं, तो उनकी सैलरी कितनी होती होगी। तो अगर आप में टैलेंट है गाना गाने की, या आप में टैलेंट है आर्ट्स मतलब ड्राइंग बनाने की अच्छी कला है, या आप में टैलेंट है म्यूजिशियन, यानी कि आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को भी आप क्या कर सकते हैं अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं, एज ए सिंगर, एज ए म्यूजिशियन, एज ए आर्टिस्ट, यानी कि किसी भी रूप में आप क्या कर सकते हैं अपने आप को उसमें अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं अगर आप में ये क्षमता है तो। और इसके बाद आता है गवर्नमेंट जॉब्स, आर्ट्स स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए भी क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको बहुत सारे क्या होती हैं सिविल सर्विसेज के लिए जॉब्स निकलती हैं जो बड़े हाई लेवल की गवर्नमेंट जॉब होती हैं, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, या
छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं, उसमें अपने जॉब अपने लिए क्या कर सकते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, और इसमें और भी कुछ छोटे मोटे करियर ऑप्शन हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया, बड़े बड़े जो आपके हैं उसको भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो यानी कि आर्ट्स स्टूडेंट ऐसा नहीं कि छोटा लेवल का होता है, आर्ट्स स्टूडेंट भी अपने बहुत ज्यादा टैलेंट होती है और वो भी अच्छा खासा क्या कर सकते हैं, ये कोर्सों को कंप्लीट करके, इनमें से कोर्स को कंप्लीट करके अच्छा खासा अपना इनकम कर सकते हैं। तो यानी कि आज मैंने आपको बताया कि अगर आप 10th के बाद आर्ट्स चुनते हैं तो आपके पास ये करियर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, और इसमें आप अगर बेटर करते हैं तो आपको जॉब देने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि अगर टैलेंट है तो जॉब आपको मिलना ही मिलना है, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे वो कॉमर्स में, चाहे वो साइंस में है। तो आर्ट्स स्टूडेंट को अपने आप को छोटा नहीं समझना है साइंस से या कॉमर्स से, और उसे लेते समय भी, मतलब सब्जेक्ट को चुनते समय भी अपने आप को ऐसा नहीं कि मैं साइंस ले रहा हूँ तो मैं छोटा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप जिसमें बेटर करेंगे बहुत आगे तक जा सकते हैं। ओके, तो आज मैं आपको वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। आज मैंने आपको आर्ट्स के बारे में बताया, अब ऐसे धीरे धीरे मैं वीडियो 2 में हर एक चीजों के बारे में क्या करता रहूंगा, आपको करियर के गाइडेंस देता रहूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों जरूर लाइक और शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स करियर ऑप्शन को लेकर के क्या होते हैं, परेशान होते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे अपने करियर को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। आपके पास मैं सारे ऑप्शन दे दूंगा, अब आपका काम है कि इसमें से कौन सा आपको बेटर लगता है, आप में कौन सा टैलेंट है। ओके, चलिए, अगर चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।